बचपन से इसको शांतनु बहुत पसंद है, तो हम तो यह जुगाड़ में लग गए कि इन दोनों को साथ कैसे रखा जाए। इसी चक्कर में उस शांतनु के घर वालों को पूरा 1 करोड़ रुपया दिए हैं घर बनवाने के लिए। मेरी और शांतनु की शादी तय हो रही है, पापा गए रिश्ता लेकर। प्यार से समझा रहा हूँ कि ये रिश्ता ना हुआ ना तो ये जो आलीशान घर में रह रहे हो ना, उस घर की जगह मैदान में नजर आओगे। पता नहीं मुझे कैसे आपकी माफी हासिल होगी। आप अगर ठीक होते, बोल सकते, तो जरूर मेरी मजबूरी को समझते। आपको समझा सकता था कि मेरी क्या मजबूरी है, और आप समझ भी सकते थे। लेकिन यहाँ तो कोई मेरी मजबूरी को समझने के लिए तैयार भी नहीं है, तो कैसे समझाओ। पता नहीं मैं कभी आपको देख भी पाऊंगा कि नहीं, आपसे मिल भी पाऊंगा कि नहीं। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने इतने दिनों तक मुझसे बात ना की हो। दादाजी मुझसे ऐसे नजर मत फेरिए, दादाजी मुझसे बात कीजिए। दादाजी मैंने गलती की है ना, उसकी सजा आप मुझे दीजिए। आप मुझे डांटिए, आप मुझे समझाइए, आप मुझे, आप चाहिए तो मुझे मारिए। दादाजी, दादाजी अगर आप जीत पे अड़े हैं ना, तो मैं भी आपका ही पोता हूं। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा दादाजी। कैसे माफ कर दूं तुझे, कैसे? तू रिश्तों को समझता है, दोस्ती को समझता है? गुरु जी को जरा सी खरोच आती थी, मैं भागता हुआ जाता था उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। लेकिन अभी वो कोमा में हैं, तब भी मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता। कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं, कैसे सामना करूं मैं उनका? तुम्हें जो ठीक लगा तुमने किया, लेकिन इस चक्कर में मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया, और सबसे ज्यादा खोया तो उस लड़की ने, जिसकी भरी मंडप में सगाई टूट जाती है। गांव वाले उस बात का बहुत बुरा मानते हैं, ऐसी लड़की की दोबारा शादी नहीं हो पाती है। तो मुझसे ज्यादा गुनाहगार तो उस लड़की का है, इसीलिए अगर तुझे माफी चाहिए ना, तो पहले उस लड़की से जाके माफी लेके आ, समझा? दादाजी मैं तन्नू से माफी मांगने जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। राम राम विश्वनाथ जी, कहाँ जा रहे हैं? बस ऐसे ही निकला था घर से, कुछ सामान लेना था घर के लिए। गुरुजी कैसे हैं? क्या बताऊं कैसे हैं, वो तो कोमा में चले गए, वो तो ना जिंदा में और ना मरने में। बहुत गलत हुआ आपके साथ, भगवान दुश्मन को वैसा दिन ना दिखाए। गुरुजी का तो आज ना तो कल ठीक हो जाने की उम्मीद भी है,
लेकिन बिटिया के रिश्ते में और देरी हुई तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। क्या मतलब है आपका? बुरा मत मानिएगा, जिन लड़कियों का भरे मंडप में रिश्ता टूट जाता है उनका रिश्ता दोबारा जल्दी नहीं होता, उन पे बहुत बड़ा दाग लग जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मनोहर सही कह रहा है, हमारे समाज की तो यही बुरी परंपरा है, जिस लड़की का रिश्ता टूटा हो उसे अपशगुन माना जाता है। आप पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, आप जो भी ठान लेती है ना वो पूरा हो जाता है। मैंने फॉर्म तो ले लिया लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं डॉक्टरी परीक्षा पास हो पाऊंगी ना? तनु तुम पहले फॉर्म तो भरो, तुम जरूर पास हो जाओगी। आज मैं हब से वादा करती हूँ, मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। ये तो कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, आप ही बताएं क्या करूं? करना क्या है, इससे पहले की बात गांव में आग की तरफ फैल जाए चुपचाप अपने बेटे का रिश्ता करा दीजिए। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं अभी से रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता हूँ। राम राम। मैं आज से ही पढ़ाई शुरू करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी और अपने दादाजी को दिया हुआ वादा पूरा करूंगी। अब मैं डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी, जरूर बनकर दिखाऊंगी। हमारी आंख में आंख डाल के बात करेगा, हमको अपने घर से निकालते। अगर अपनी बिटिया का हाथ नहीं देना होता ना उस घर में तो बताते दुबे प्रधान का चीज है सकता। मैं तो हमेशा से आपसे कहती आ रही कि आप जो कुछ भी करो सोच समझ कर करो, लेकिन आप है कि मेरी बात ही नहीं सुनते हो, और ऊपर से अपनी बेटी को इतना बिगाड़ के रखा है, इतना सर पे चढ़ा के रखा है, उसकी हर सही गलत मांग को पूरी करने लगते हो। तो तुम क्या करती हो हैं? अपने लौंडे को महापुरुष बना के रखी हो का? अरे दिन रात उस लौंडिया के चकल्लस में आशिक बना फिरता रहता है, और हद तो ये हो गई कि आजकल हमका आंख दिखा के बात करने लगा है सब सब। अरे पापा मम्मी आप लोग आ गए, रिश्ते की बात तय हो गई ना? शांतनु ने क्या कहा? हम बताते हैं। एक मिनट पापा, खुशखबरी सुनने से पहले मैं आपको एक बात बताना ना भूल जाऊं। मैं उस तनु के घर गई, कब्र में पैर लटकाए उसके दादाजी को ये बताने कि मेरी शादी शांतनु से तय हो रही है। उस तनु को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मुझे बहुत बुरा भला सुनाया, मुझे घूरने लगी, पर मैं भी आपकी बेटी हूँ पापा। मैंने उस लड़की को उसकी औकात दिखा दी, तभी वहां मेरा मजनू भाई नकुल आ पहुंचा। उसने उस दो कौड़ी की लड़की के लिए अपनी बहन को थप्पड़ मारा। वहां से मैं चुपचाप चली आई पापा, लेकिन आपको उसको इस बात के लिए सजा देनी पड़ेगी। हम देंगे, सुन रही हो ना तुम क्या बोल रही है? होने दो आज उसको घर, हमारी बिटिया पे हाथ उठाओ, हमारी राजकुमारी पे, अरे आज उसको चमड़ी उधेड़ देंगे मार मार के हम। पापा ये सामान तो शांतनु के घर के लिए थे ना? फ्रूट्स नेक के लिए थे ना पापा? यहाँ कैसे? का हुआ बेटा, हम तो का बताते हैं। क्या हुआ बताइए मुझे, क्या कहा उन्होंने रिश्ते के लिए? कुछ नहीं बेटा, देखा हम एक ही बात कह रहे हैं तुमसे, तुम हम पे भरोसा रखो बस। पापा उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया, शांतनु ने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। बोलिए पापा साफ साफ बताइए। देखा बेटा तुम ना अपना दिमाग में उल्टा पुल्टा ख्याल मत लाओ, समझी ना, हम पे भरोसा है ना, देखो हम तुमको वादा
हम तुमका वचन दे रहे हैं कि तुम्हारी शादी शांतनु से ही होगी, है ना जी? समझाओ ना तुम काम भूत। और बेटा क्या कर रही हो? पल्लवी क्या कर रही है? अगर मुझे शांतनु नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटा चोट लग जाएगा तो। दूर दूर रहिए, दूर रहिए। पल्लवी आप लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, अब जो करना है ना सिर्फ मैं करूंगी। चाकू फेंक दे बेटा। देखा बेटा वो चाकू फेंक दो, तू हमारी प्यारी बेटी है ना। शांतनु को कॉल कीजिए, अभी कीजिए। हाँ लगा लगा। अरे जल्दी कीजिए ना, वीडियो कॉल कीजिए, अभी उसे वीडियो कॉल कीजिए। लगाते हैं। आज मुझे उसको सामने सामने बताना है कि कोई शख्स प्यार में कैसे जान दे सकता है। वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं लोग? देखा ये क्या कर रही है? देखो देखो पल्लवी क्या कर रही है बेटा, देखो। शांतनु तुमने मुझसे शादी के लिए ना की, आज मैं अपनी जान दे दूंगी। पल्लवी पल्लवी ये क्या पागलपन है? आज तुम्हें पता चलेगा कि एक आशिक प्यार में अपनी जान भी दे सकता है। देखो ये बकवास बंद करो, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे नहीं बात करनी है। आज अगर तुम यहाँ नहीं आए ना तो मैं अपनी जान दे दूँ। पल्लवी तुम चाकू रखो। अगर दो घंटे के भीतर तुम यहाँ नहीं आए ना तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। मैं नहीं आ रहा हूँ, नहीं आऊंगा मैं, जो करना है कर लो तुम। तुम नहीं आओगे? हे बेटा तुम यहाँ आ जाओ जल्दी जल्दी, समझे ना? हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, तो बोलोगे तो तुम्हारा पैर भी पड़ लेंगे, लेकिन घर आ जाओ। हमरे बेटी को कुछ हो जाएगा नहीं तो। शांतनु चल। अच्छा बेटा तुझे पता है ना वो कितनी जिद्दी और कितने गुस्से वाली है, कुछ का कुछ कर बैठी अगर तो जिंदगी भर हमारे पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। वो सिर्फ तेरी बात मानेगी। प्लीज चला जा बेटा, प्लीज चला। मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आज तुम नहीं आए तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। देखो पल्लवी तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा काम नहीं करोगी। तुम ये चाकू रखो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? दिखा आ रहा हूँ, अब हटावा चाकू। जब तक शांतनु यहाँ नहीं आ जाता मैं ये चाकू नहीं फेंकूंगी, नहीं फेंकूंगी। तू ये अपनी जासूसी करना बंद कर दे, जा। दीदी वो डॉक्टरी का फॉर्म था ना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तुम अपने प्यार में इतने अंधे हो चुके हो ना नकुल कि तुम्हें अपने खुशी के आगे किसी और की खुशी की कोई कीमत ही नहीं रही। इस रिश्ते ने तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भर दी कि तुमने मुझे बद्दुआ दे डाली कि मेरा रिश्ता टूट जाए, ये शादी नहीं होगी। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम्हारा रिश्ता नहीं जुड़ेगा, मेरी सगाई टूट जाएगी। अर्ज किया है जिन्हें हमने ढूंढा गली गली मोहल्ले मोहल्ले, वो बरकुरदार मिले हमें आसमां के तले। यूं मियां चिलौन जी कहां मटर गश्ती हो रही है? अरे ना कोई आता पता ना कोई बातचीत है, चलो यार कुछ धमाल करते हैं। गबक हर वक्त मजाक मस्ती, आंखों के अंधे हो? अरे किस वक्त किसे बात करनी चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए पता है तुम्हें कुछ? हम तुमसे पूछते हैं किस चीज का धमाल करेंगे हा? और कौन सी खुशखबरी है तुम्हारे पास? अरे मस्करी करने के अलावा तुम्हारे पास कुछ काम है? बचपन से दोस्ती है हमारी, तब से जब आप और हम पजामे में नाड़ा बांधना नहीं जानते थे। हमको मालूम हम बेवकूफ हैं, मुंह फट हैं, हमको नहीं पता कि कब क्या कौन सी बात करनी चाहिए।
आप पहले भी हम पे ऐसा गुस्सा किए, लेकिन आज जो आप किए हैं ना, अच्छा नहीं किए। दिल तोड़ दिया आपने, आज से आपकी और हमारी दोस्ती खत्म, जा रहे हैं हम। ए भागे, अरे सुनना है यार, माफ कर दे हमको यार। देख, हम वैसे ही बहुत परेशान और गलती से सारा गुस्सा तेरे ऊपर उतार दे, माफ कर दे। हमको मालूम नहीं कि आप परेशान हैं, हमको मालूम नहीं कि आप पे क्या बीत रही है, तभी तो हम सोच रहे थे कि कुछ मस्करी वस्करी करें ताकि आपका जो मन है बहल जाए। दिल तोड़ दिया आज आप। मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता, सबको दुख पहुंचाता हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ वाकई, हमें माफ कर दे। नहीं भैया, आप बुरे नहीं हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तनु भाभी आपके प्यार को नहीं समझते, लेकिन देखना भैया, एक ना एक दिन तनु भाभी आपके प्यार को समझेंगी, जरूर समझेंगी। वो मुझसे कभी बात नहीं करे और यही सजा है मेरी। अरे बहुत बड़ा पाप किया है हमने अपने मुंह से उसे बद्दुआ दे डाली और उसका घर बर्बाद हो गया। बहुत बुरे हैं बाकी, और हमें कभी माफी नहीं मिलेगी। काहे अपने को दोष दे रहे हैं, इसमें आपका क्या दोष? आपने जो कहा होगा गुस्से से मुंह से निकल गया होगा, आपने दिल से थोड़ी ना कहा होगा। तन्नू भाभी के साथ जो भी हुआ है इसमें आपका कोई दोष ही नहीं, और आप इसके जिम्मेदार नहीं। दादाजी आप देख रहे हैं मेरे हाथों में क्या है, डॉक्टरी परीक्षा का फॉर्म। मैंने आपसे जो वादा किया था उसे पूरा करने का वक्त अब आ गया है। आज मैं इस फॉर्म को सबमिट करने जा रही हूँ और उसके बाद मैं बहुत मेहनत करूँगी दादाजी, बहुत पढ़ाई करूँगी। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए दादाजी। MBBS एडमिशन फॉर्म, क्या हुआ दीदी, आपने ऐसे क्यों फॉर्म छीना? ये किस चीज का पेपर है? तुझे माँ ने शक्कर लाने के लिए कहा था ना, तू लेकर आया? हाँ दे भी दिया। अच्छा ठीक है, फिर जाके पढ़ाई कर। अभी तक खड़ा है यहाँ पे क्या कर रहा है, जाना। दीदी अब मुझे पक्का कुछ छुपा रहे हो? मैं क्या छुपाऊंगी तुझसे, तू ये अपनी जासूसी करना बंद कर दे, जा। दीदी वो डॉक्टरी का फॉर्म था ना? कौन सी डॉक्टरी, कैसे डॉक्टरी? दीदी मैंने खुद किताब में पढ़ा है कि डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की परीक्षा का फॉर्म भरना पड़ता है, कहीं अब वही फॉर्म तो भरने नहीं वाले? देख तू अब बकवास कर रहा है, जा यहाँ से। दीदी मुझे अपना हर राज बता दी थी और आज तक मैंने किसी को बताया भी नहीं। दीदी बताओ ना, आप सच में डॉक्टर बनने वाले हो? बोलिए ना। हाँ ये हुई ना बात, अब आधे डॉक्टर तो पहले से थे, और कितना मजा आएगा जब आप पूरे डॉक्टर बन जाओगे, सबको कितनी खुशी होगी। अभी किसी को कुछ नहीं बताना है, अगर माँ पापा को पता चल गया और उन्होंने मुझे फॉर्म सबमिट करने से मना कर दिया तो? अब मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। पर आपने कुछ गलत थोड़ी ना किया है, तो मम्मी पापा से क्यों डर रही हो? मैं डर नहीं रही हूँ, लेकिन दादाजी की यह हालत है, अगर वो ठीक होते तो वो खुद बताते, सबको समझाते थे, लेकिन इनकी अब ऐसी हालत है कि माँ पापा समझने से भी नहीं समझेंगे। इसलिए मैं डॉक्टरी की तैयारी करना चाहती हूँ चुपके से, और जब सब ठीक हो जाएगा ना तो मैं खुद बता दूंगी। ठीक है दीदी, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, पक्का प्रॉमिस। लेकिन एक समस्या है। समस्या? हाँ, एक दो दिन में ये फॉर्म सबमिट करना है और उसमें पापा के साइन चाहिए।
बस इतनी सी बात, ये तो एकदम आसान काम है। मुझे बहुत बार अपने टेस्ट में बहुत कम मार्क्स मिले हैं और उसमें पापा के साइन चाहिए थे, तो मैंने बहुत सारे पेपर के बीच अपनी मार्कशीट डाल दी और पापा को साइन करने के लिए दे दिया, और पापा ने आसानी से साइन कर दिया और डांट भी नहीं पड़ी और काम भी आसानी से हो गया। तू ना बहुत बदमाश हो गया है, अगर दोबारा ऐसा किया ना तो पापा को बता दूंगी। हमारे पास के गांव में एक शुक्ला जी रहते हैं, उनका एक बेटा है, मैं वहां जाकर दोनों की शादी की बात चलाता हूँ। आज हम उससे बात कर लेंगे, कल चले जाइएगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये लीजिए पान। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि जब बाबूजी ठीक थे तो घर के सारे फैसले वही लेते थे, हमें कोई सोचना ही नहीं पड़ता था, कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती थी। बाबूजी की बीमारी के चलते लगता है सब कुछ मुश्किल सा हो गया है, इस घर को संभालने वाला कोई है ही नहीं। देखिए सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसे ठीक होगा, बाबूजी ठीक थे तो हमने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, कभी कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन अब जब सब कुछ सर पे आ गया तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो आखिर परेशानी है क्या, बताइए तो। कमला आज जब मैं बाजार गया था तो वहां मुझे मनोहर और भरोसे मिले, वो तनु की शादी के बारे में कह रहे थे और कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर दो, क्योंकि एक बार अगर लड़की की सगाई टूट जाती है तो बड़ी मुश्किल से दोबारा रिश्ता मिलता है। ऐसी बातें मैंने भी सुनी है, कल वो कुएं वाली, वो कुएं के पास रहती ना दादी, वो भी कुछ ऐसे ही कह रही थी, लेकिन मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती। जब कई लोग एक ही बात को कहने लगे तो समझ लो उसमें सच्चाई है, हमें दोनों की शादी कर देनी चाहिए अब। लेकिन इतनी जल्दी, अरे इतना कुछ हो गया हमारी बच्ची के साथ, उसके अभी घाव भी नहीं भरे हैं और हम उसके सामने एक ये नया तमाशा करें। मेरे ख्याल से अब यही एक रास्ता जिससे कि उसके जख्म भी भर जाएंगे। पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाबूजी भी ठीक नहीं है, अगर बाबूजी होते ना तो वो उसके बारे में जरूर फैसला लेते, अब तक उन्होंने ही तो सारे फैसले लिए हैं तनु के। अब जब तनु की जिम्मेदारी हमारे हाथ में आ गई है तो जो कुछ भी करना है हमें ही करना होगा, मेरे ख्याल से यही एक सही रास्ता है। नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, एक बार और सोच लीजिए और हम उससे भी बात कर लेते ना, हो सकता है वो कुछ और सोच रही हो। कमला, क्या बाबूजी ने रिश्ता करने के पहले तनु से कुछ पूछा था? मुझे नहीं लगता कि हम जो भी फैसला लेंगे उससे तनु इनकार करेगी, बल्कि उसे राजी खुशी स्वीकार कर लेगी। कमला, हमारे पास के गांव में एक शुक्ला जी रहते हैं, उनका एक बेटा है और वो कोर्ट में क्लर्क है, अभी तो कच्ची नौकरी पर है लेकिन कल पक्का भी हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं वहां जाकर दोनों की शादी की बात चलाता हूँ। अब देखिए इतनी जल्दबाजी क्या है, आज रुक जाइए, आज हम उससे बात कर लेंगे, कल चले जाइएगा। हाँ नहीं नहीं कमला, अब जो मैंने कह दिया वही करूंगा, यही मेरा फैसला है, मैं अभी जाता हूँ, शादी की बात चलाता हूँ और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा
तो दो चार महीने में तनु की शादी भी कर देंगे। तो मेरे ख्याल से यही सही रहेगा। सुनिए, पापा का अपने कमरे में नहीं है, वो बाहर गए, किसी जरूरी काम से गए, शाम तक आ जाएंगे। कोई बात करनी थी क्या तुम दोनों को? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे अरे, चल मैं उठाती हूँ, रुक जा।